सो बच्चों, जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका जो लास्ट चैप्टर है वो है आपका कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस आज हम शुरू करेंगे। इसमें जो फर्स्ट आर्टिकल है कि आपका एक कंडक्टर, आपका कंडक्टर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ओके, तो मान लो आपकी ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। इसके अंदर एक कंडक्टर है आपका, ठीक है। सो जो कंडक्टर है आपका, वो सपोज करिए ये है, ये है आपका कंडक्टर सपोज, ओके। सो ये जो आपका कंडक्टर है, से इसका जो नाम है वो मान लेते हैं पी क्यू, ठीक है। इस कंडक्टर को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी जो वैल्यू है हर जगह कांस्टेंट है, ये इस रीजन के अंदर ई नॉट है मान लो, ठीक है। ये है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये सारी आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें से, ठीक है। अब बेसिकली क्या होना है कि जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में, वो आपके इस एंड क्यू से इस तरफ मूव क्यों करेंगे, बिकॉज उनको इस चार्ज की वजह से क्या मिलेगी, अट्रैक्शन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे सारे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स फेस क्यू, ओके। सो यहाँ पे उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी फेस क्यू पे, पी की तरफ जाएंगे वो क्यू पे डेफिशिएंसी हो गई, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिंपली मीन्स कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। सो ये होना है व्हेन दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड बिटवीन, व्हेन दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट विल हैपन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फेस क्यू विल मूव टुवर्ड्स फेस पी, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस फेस, मीन दिस फेस एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड दिस स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन चले गए, जहाँ होगी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई, मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, तो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, ओके। सो दीज टू जो चार्जेस यहाँ डिवेल्प हो गए, ये यहाँ दिख रहे हैं आपको और यहाँ दिख रहे हैं, ये चार्जेस इनको बोलते हैं इंड्यूस चार्जेस। अब ये इंड्यूस चार्जेस भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, अब ये इंड्यूस चार्जेज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे करेंगे तो फिर उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे अप्लाइड अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर थी। अब ये जो इंड्यूस चार्जेज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी, उसको हम ई पी बोल देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली पी जो है वो पोलराइजेशन, अभी पढ़ेंगे पोलराइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक है एक। तो अभी आप ये देखें कि यहाँ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट, और जो इंड्यूस चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हुई वो ई पी है, और इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। सो क्वेश्चन है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ कब स्टॉप होगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप्स व्हेन इन दोनों फील्ड्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, ई पी इज इक्वल टू ई नॉट, ओके। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितनी हो जाएगी, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर कितनी हो जाएगी,
हो जाएगी ई पी माइनस ई नॉट, दैट इज जीरो, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ये यदि 10 हुई तो ये भी 10 ही होगी, ठीक है। सो ये सीखा आपने पहला पॉइंट कि जब एक कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या जाती है, जीरो। तो ये था पहला पॉइंट, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है आपका वो है कि नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर भी जीरो होगा, बिकॉज ई डॉट डी एस क्या होता है, मैंने बताया आपको गॉजेस थ्योरम, तो गॉजेस थ्योरम ये बोलती है आपको, देखो क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जब नेट जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है ये प्रूव किया हमने, तो फिर ये सारा जीरो हो गया क्योंकि वैल्यू यहाँ जीरो करेंगे तो ये बन गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, क्यू इज इक्वल टू जीरो, सो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर भी जीरो होगा, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट क्या है इस कंडक्टर के बारे में, तीसरा पॉइंट ये है कि आपको पता है कि E इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी अपॉन वट डी एक्स। अभी यदि जीरो है तो ये कितना आ गया, ठीक है, तो V को क्या होना पड़ेगा फिर, कांस्टेंट। सो V इज इक्वल टू कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, पहले भी बताया आपको, और वो उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में पढ़ा भी आपने। तो चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि जो आपकी सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए, ठीक है। सो जहाँ एरिया कम होगा वहाँ सिग्मा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब पिन पॉइंटेड एजेस, जैसे कि कंडक्टर ऐसा पहना कंडक्टर कहीं से ये, जैसे यहाँ से, तो यहाँ एरिया कम है, एरिया कम है तो यहाँ ये कम हो गया, ये कम है तो सिग्मा यहाँ ज़्यादा होगा। तो पिन पॉइंटेड एजेस जो हैं कंडक्टर के, वहाँ सिग्मा क्या होता है, मोर होता है। ये आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसी भी कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। सो क्या क्या पढ़ा हमने बताइए, जब ये कंडक्टर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसके ऊपर, जीरो होगी, ये देखो मैंने प्रूव किया। दूसरा ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर भी क्या होगा, जीरो, कंडक्टर के अंदर नहीं होता चार्ज। अगला क्वेश्चन कहाँ होता है, उसके सरफेस पे रिजाइड करता है, उसके सरफेस पे होता है, तो चार्ज अंदर जीरो है लेकिन रहता कहाँ है भाई, सरफेस पे, ठीक है जी, आ गया। सो उसके बाद बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इनसाइड ऑफ द कनेक्टर जीरो है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये बताया मैंने, ये देखो, ठीक है, ये देखो। और फिर मैंने बताया, और कांस्टेंट की वैल्यू वही होती है जो उसके सरफेस पे होगा, वही होगा अंदर, ठीक है। चौथा पॉइंट मैंने बताया कि सिग्मा पिन पॉइंटेड एजेस पे ज़्यादा होता है, पिन पॉइंटेड एजेस हैं सिग्मा की वैल्यू मोर होती है, क्यों होती है, बिकॉज पिन पॉइंट एजेस के एरिया कम होगा तो सिग्मा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस ऑफ कंडक्टर के, ठीक है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा नोट्स दिखा देता हूँ, तो ये हैं इसके नोट्स, ये देखिए नोट्स। सो जैसे हमने पहले आपको बताया कि इसमें हम पहले पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन, ये देखिए, सो ये बताया मैंने कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये
सो मैं बता रहा था कि जो आपकी बिहेवियर है कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये लिख दिया मैंने, देखो ये तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, चार्जेज जो इनके ऊपर डेवलप होते हैं फेस क्यू और पी के ऊपर, तो जैसे ये आ गया क्यू पे और इस पे आ गया पी पे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक है। सो चार्जेज डेवलप्ड ऑन द एंड पी क्यू आर कॉल्ड इंड्यूस चार्जेज, बताया मैंने आपको। और फिर मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्जेज की वजह से आएगी वो उतनी आ जाती है जितनी अप्लाइड है, तो नेट फील्ड क्या होगी फिर, जीरो। फिर मैंने बताया कि जो चार्ज है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो है ये देखो, तो चार्ज भी इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, जीरो। और चार्ज फिर होता कहाँ, अगला क्वेश्चन ये है। तो चार्ज हमेशा उसके आउटर सरफेस पे रहता है, रिजाइड का मतलब कहाँ रहता है भाई, आउटर सरफेस पे, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज जीरो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, मैंने मैंने बताया कि ए की वैल्यू जीरो भरेंगे तो वी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और एक चीज़ मैंने भी बताई कि सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए, तो जहाँ एरिया कम होगा वहाँ सिग्मा ज़्यादा होगा। तो जैसे मान लो पैना सिरा है कंडक्टर का, तो पैने का एरिया क्या होता है, कम कम है, तो फिर सिग्मा क्या होगा वहाँ ज़्यादा, ठीक है जी। सो उसके आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये होता है कि कोई रीज़न है उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचाना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इट सिंपली मीन्स की प्रोटेक्टिंग ए सर्टन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो कैसे इसको आप समझेंगे, इसका थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे कि सपोज करिए आपके पास ये दो कंडक्टर्स हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। ये इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर है मान लो ये ऐसे, और ये भी वैसे ही है इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर। ये आपका ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये है नेगेटिवली चार्ज्ड, ये कंडक्टर ए है मान लो और ये दूसरे वाला है बी। इनके बीच मैंने एक अनचार्ज्ड कंडक्टर यहाँ रख दिया, इसका नाम है सी, दिस इज अनचार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है जी,
अनचार्ज्ड है, इसको रोज आके न्यूट्रल आई। सो मैंने आपको ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी की शील्डिंग है, ये जो इसका अंदर का हिस्सा है सारा है, ना यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, ना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कनेक्टर क्या होती है, जीरो होती है, और चार्ज भी अंदर क्या होता है, जीरो होता है। तो सी के अंदर ये जो चार्जेज हैं इधर इसके सराउंडिंग में, ये पॉजिटिव है, और इधर क्या है, नेगेटिव। ये इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कनेक्टर क्या होती है, जीरो। और ये जो चार्जेज यहाँ हैं, ये इसकी अंदर वाली दीवारों पे कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज चार्ज इनसाइड द कंडक्टर भी क्या होता है, जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से ये कंडक्टर सेफ हो गया, ठीक है, अंदर नहीं हो सकता इसके कुछ नहीं। तो ये एक शील्ड का काम किया है इसने अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट शील्डिंग का काम किया, प्रोटेक्शन का काम किया इसने, ठीक है। तो जितने भी चार्जेज ए और बी पे हैं, ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड से आधे कनेक्टर क्या होती है, जीरो। और जितने भी चार्जेज यहाँ हैं, पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, दे कैन नॉट इंड्यूस, दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनी इंड्यूस चार्जेज इन साइड द इनर बॉल्स ऑफ द कंडक्टर बिकॉज चार्ज इन साइड द कंडक्टर भी क्या होता है, जीरो। इसलिए ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का काम करेगा ये कंडक्टर, इस कंडक्टर वाज सी। ओके, सो तभी बोलते हैं कि ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म कार के अंदर बैठना सेफ है। मान लो आपकी कार है, तो बिकॉज इसमें कंडक्टिंग बॉडी है कार की, ये तो बॉडी ऑफ कार विल एक्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। कैसे एक्ट करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड की तरह काम करेगी बॉडी कार की, विल लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड की तरह काम करेगी बॉडी कार की ये, बिकॉज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। मान लो थंडर स्टॉर्म में बिजली चमक रही है, तो ये बिजली आ रही है, देखो ये चार्जेज आ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, ये चार्जेज इफेक्ट करेंगे इसके आउटर बॉडी पे करेंगे, अंदर कुछ नहीं हो सकता, ना अंदर चार्ज आ सकते हैं, ना उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई वो अंदर नहीं हो सकती। बॉडी ऑफ द कार विल एक्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड, ये बिकॉज जो नेट चार्ज होगा इनसाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ओके, सो इसको भी आपने कर लेना है। और उसके बाद फिर हमारे पास आएगा नेक्स्ट कैपेसिटेंस। सो ये मैंने आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली जो कैपेसिटेंस होता है वो एबिलिटी होती है कंडक्टर की टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। सो चार्ज क्यू गिवन टू ए कंडक्टर रेजिज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और चार्ज दो पोटेंशियल और बढ़ेगा, सो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, एंड इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, व्हाट इट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन पे डिपेंड करेगा भैया, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, एंड दूसरा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मीडियम इन विच कंडक्टर इज प्लेस्ड। सो ये फॉर्मूला नहीं, अब आपने बोलना है, ये जो मैंने यहाँ लिख दिया, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। क्यू इज इक्वल टू सी बी, क्यू सी बी में सब चार्ज ये हैं, ठीक है। सो क्यू इज इक्वल टू सी बी, क्यू चार्ज है, सी कैपेसिटेंस है, वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो यहाँ से आप सी निकाल देंगे तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन वी। ओके, सो इसका यूनिट होता है अभी फेराड, एफ ए आर ए डी, तो SI में। और इसका चार्ज का क्या होता है, कूलम, और इसका क्या बताया था आपको, बोल्ट। तो कब बोलेंगे, किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो 1 फेरेड है, जब 1 कूलम चार्ज देने से उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना राइज हो, 1 वोल्ट। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 1 फेरेड व्हेन 1 कूलम चार्ज रेजिज इट्स पोटेंशियल टू
टू वाट, टू 1 वोल्ट। ओके, सो यहाँ से आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं, बिकॉज सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू का आपको पता ही 80, और वी का मैंने बताया था डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। सो बन गया 80, डब्ल्यू का क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, और एक और क्यू आ गया, क्यू ऊपर चला जाएगा तो ये बन गया ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर, ठीक है। सो इनको आप इकट्ठा कर सकते हैं एंड यू विल गेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, सो नेक्स्ट है कि आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, ये इसका आपने कैपेसिटेंस निकालना है। तो बेसिकली कंडक्टिंग है तो मैंने बताया ये हॉलो स्फीयर की तरह है, फिर इसमें कंडक्टर में फिर चार्ज कहाँ होगा, सिर्फ इसके आउटर सरफेस पे ही होगा, ये देखो, ठीक है। इसका रेडियस मान लो आर है, और मान लो क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज मैं मानूंगा कि यहाँ इकट्ठा हो गया सारा का सारा सेंटर पे, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इस सरफेस वाले पॉइंट के लिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ क्यू एट द पॉइंट ऑन द सरफेस, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, वी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन वट आर स्क्वेयर, ठीक है। सो फिर मान लो इस कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस है सी, तो मैंने बताया क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, अभी बताया मैंने सी बी, तो सी निकालो यहाँ से क्यू अपॉन वी, तो इस बी की वैल्यू को यहाँ भर दो, इस बी की वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, ये कैंसिल हो जाएगा और ये सारी की सारी चीज़ जो ऊपर चली जाएगी, तो आपके पास सी ए आ गया 4πε0 आर, ये इसको याद रखेंगे, ये होता है भी आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस, और सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ग्राफ बनाएंगे तो कैसे आएगा स्ट्रेट लाइन, ये कोई सी है इधर को और इधर को क्या है आर है, ऐसे ये ओरिजिन है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो ये भी हो गया, और फिर नेक्स्ट है आपका कि आपने जो भी पढ़ा उसको मैं यहाँ देख लेता हूँ थोड़ा सा, कि का जो ये इलेक्ट्रिक शील्डिंग मैंने आपको बताया अभी, इट इज प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी स्पेस को किसी क्षेत्र को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट्स से बचाना, प्रोटेक्शन होता है बचाना, ठीक है। सो मैंने बताया था कंडक्टर सी है, इसके अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं ये दोनों इसके अंदर कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकते, बिकॉज इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर सकते प्रोड्यूस, बिकॉज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, और चार्ज भी कोई इंड्यूस नहीं कर सकते इसके अंदर वाली दीवारों पर इधर, तो ये मैंने बताया आपको, ठीक है। इट इज़ सेफर, क्वेश्चन बना दिया कि इट इज़ सेफर टू सीट इनसाइड ए कार ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, भाई मैंने बताया कि इन दिस केस बॉडी ऑफ द कार विल एक्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड फ्रॉम लाइटनिंग, जो बाहर लाइटनिंग हो रही है जोर जोर से, गर्जना हो रही है, इट इज़ बिकॉज चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, जीरो, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का काम करेगी कार की बॉडी, ठीक है। तो मैंने कैपेसिटेंस बताया कि कैपेसिटेंस होता है एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज ऑन इट, तो ये आ गया। फिर मैंने बताया कि डायमेंशन पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, फिर मैंने इसका ऐसा यूनिट बता दिया 1 फैराड, और फिर डायमेंशनल फार्मूला भी आपको बताया गया, ठीक है।
या जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। फिर मैंने बताया कि एक कंडक्टिंग सफ़ियर है आपके पास, आइसोलेटेड कंडक्टिंग सफ़ियर है, इसका कैपेसिटेंस निकालो। फिर मैंने बोला कि इस पॉइंट पे चार्ज मान लेंगे सारा का सारा इकट्ठा हो गया ओ पे, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा पी पॉइंट पे। तो ये निकाल दिया हमने और पोटेंशियल की वैल्यू फिर ये आ गई। और फिर हमने बोला कि क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो सी इसका कैपेसिटेंस है, तो सी यहाँ से निकाल दिया, फिर वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और आंसर आ गया। तो हमने देखा कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, और ग्राफ बनाएंगे तो आएगा स्ट्रेट लाइन, इधर को सी ले लेंगे और इधर को क्या ले लेंगे वी, सॉरी आर, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है जी। सो जो आपका नेक्स्ट है वो है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल कैपेसिटर, इट्स अ डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। डिवाइस यूज टू स्टोर व्हाट? इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके सो Device used to store electric charge. Simply a capacitor. Okay. So इसका principle समझेंगे जरा कि we are now studying about capacitor. So capacitor में basically क्या होता है? Two conductors होते हैं ऐसे. ध्यान सुनेंगे, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं ये, कंडक्टर्स हैं ये दो, ठीक है। जब मैं इसको चार्ज देता हूँ कुछ, ये दे दिया हमने क्यू, ठीक है, दूसरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसको मैंने एडिशनल चार्ज बाहर से दिया, सपोज पॉजिटिव चार्ज की दे दिया मैंने इसको क्यू, ठीक है। सो अब यहाँ क्या होना है, देखो इसके नज़दीक है ये कंडक्टर दूसरे वाला ये, ठीक है, ये कंडक्टर मान लो एक्स है या ये दूसरे वाला वाई है, इसके नज़दीक है ये, यदि ये नज़दीक है तो फिर वही होना है, इंडक्शन होना है, ठीक है ना। तो इसके लेफ्ट वाले फेस पे इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इधर को, और यहाँ इधर वाले फेस पे राइट साइड को डेफिशिएंसी हो जाएगी उनकी, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा इधर? पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज आ जाएंगे, इसके ऊपर बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि चार्ज दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, ठीक है। एक स्टेज आएगी कि चार्ज, मैंने बताया चार्ज देने से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, इस कंडक्टर का वी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ठीक है। मतलब खाना खा रहा है ये, इसकी भूख जो है इसको लगी हुई है और खाना खा रहा है खा रहा है, खाना वो क्यों हुआ है। एक स्टेज आएगी कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रज्जी आना, इसका मतलब पूरा फुल हो जाएगा इसका पेट, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा मैक्सिमम, मान लो समझने के लिए बता 10 हो गया, 10 वोल्ट, ठीक है। अब यदि आप इसको चार्ज देंगे, और अब यदि आप और एक चपाती खाना चाहेंगे तो आप नहीं खा सकते, ये नहीं लेगा आप चार्ज, क्योंकि चार्ज देने से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ा, बढ़ते बढ़ते और देते गए आप, और देते गए और देते गए और देते गए, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। अब एडिशनल चार्ज और देंगे तो इट विल नॉट एक्सेप्ट नाउ, ये नहीं लेगा, ठीक है। पर नहीं मान रहे, हमने एक थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट और देनी है, थोड़ा सा चार्ज क्या हो गया डी क्यू, ध्यान से सुनेंगे आप, लेकिन देनी है डी क्यू चार्ज, हमने देना है थोड़ा सा और। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो कंडक्टर है ये, इसकी मैं यहाँ पे अर्थिंग कर दूँगा, ये देखो। अब अर्थिंग करने से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे अर्थ से और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ विल कैंसिल दिस पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज, ये वाला। अब यहाँ सिचुएशन रह गई कि यहाँ नेगेटिव ही रह गया, ये देखो अब नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे, ये नेगेटिव गया। अब क्या होगा, अभी पॉजिटिव का प्रभाव कम, अब आप क्वेश्चन है कि इसका पोटेंशियल इस नेगेटिव रह गया, पॉजिटिव वहाँ चला गया, पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन ने न्यूट्रलाइज कर दिया जो अर्थ से आए, अब यहाँ बचा नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, इसका पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि पहले इसका पोटेंशियल भी होगा थोड़ा बहुत ही, उसकी वजह से अब प्रभाव कम, मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो कितना हो गया मान लो 9 वोल्ट हो गया,
आउट हो गया, तो इसकी अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इसकी चार्ज की हमने दे दी। ठीक है, बिकॉज अब ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कम करेगा। पॉजिटिव तो यहाँ से चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव दूर था ना इससे, देखो ये अभी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव का भी तो प्रभाव है इसके ऊपर थोड़ा बहुत। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वजह से नेगेटिव होता है। अब ये पॉजिटिव जो है ख़त्म हो चुका है, ये देखो अर्थ में चला गया नीचे, ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब ये नेगेटिव का रह गया ना इधर, तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ रह गया ये इसके पोटेंशियल को थोड़ा सा और कम करेगा, और कम करेगा तो -1 वोल्ट कर दिया। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव ही होता है, तो कितना हो गया भाई 9 वोल्ट। अब 9 वोल्ट ले कितना सकता है, मैक्सिमम 10। तो अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डी क्यू जो इसको दे दी हमने, ठीक है। दूसरे कंडक्टर की चार्ज लेने की क्षमता और दे दिया हमने, इस कंडक्टर की चार्ज लेने की क्षमता बढ़ गई जब इसके नज़दीक एक अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर रख दिया, ठीक है। जब इसके नज़दीक एक अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर रख दिया तो इस कंडक्टर की चार्ज लेने की कैपेसिटी बढ़ गई। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो प्रिंसिपल कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होंगे, वैन वन कंडक्टर इज अर्थड देन अदर कंडक्टर हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका वो फिर यहाँ से प्रिंसिपल हो गया आपका। अब हम करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऐसे कुछ इनफाइनाइट प्लेन शीट थी, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, ऐसे कुछ इसमें गॉजियन सरफेस बना था, कुछ याद होगा आपको, तो सिलेंड्रिकल था, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट के ऊपर होती है, डिपेंड नहीं करती डिस्टेंस पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती। मान लो बस दो शीटें ऐसी है, ऐसी हैं दो शीटें, ये रखती है एक और ऐसी, एक जैसी हैं दोनों, लेकिन एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी नेगेटिवली चार्ज। ध्यान सुनेंगे, दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव प्लेट की वजह से पॉजिटिव होती है, नेगेटिव वजह से नेगेटिव होती है, इसकी नेगेटिव सिग्मा होगी, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी किसी पॉइंट में, तो यदि मैं ध्यान सुनेंगे क्योंकि इसकी वजह से फील्ड जो होती है इसकी वजह से वो ये होती है, ठीक है। यदि मैं बोलूँ इस पॉइंट पे क्या होगी, इस पॉइंट के ऊपर +1 रखना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो इधर को जाएगा, तो इसकी फील्ड होगी एक E1 बोल देते हैं इसको, और इस नेगेटिव की वजह से भी वो इधर को ही जाएगा, तो इसको E2 बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो E1 E2 है ये लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो नेट फील्ड हो जाएगी E1 + E2, ठीक है। तो E = E1 + E2, ठीक है। E1 की वैल्यू यहाँ भर दो, जैसे कि σ/2ε₀ + σ/2ε₀, तो कितनी आई, ये आ गई σ/2ε₀। तो याद रखेंगे आप कि दो कंडक्टर्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, तो उनके बीच में जो क्षेत्र है ये वाला सारा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है और हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म होती है, पर एक जैसी होती है, एक वैल्यू होती है उसके, वो वैल्यू होती क्या है, ये होती है σ/2ε₀, इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। और फिर हम शुरू करेंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जैसे मान लो आपका ये अभी बना रहा था ये प्लेटिंग ऐसे है, मैंने सीधी बना दी ऐसे, लेकिन है वो वैसे ही जैसे बनाई थी अभी, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, और मैंने बताया कि ये कैपेसिटर के प्रिंसिपल में इसको अर्थ करते हैं ना, तो
इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ई नॉट बोल देते हैं उसको, और वो होती है अभी बताई मैंने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो सिग्मा आपको पता ही इसमें लिखना आपने कि जब इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे उसके लेफ्ट फेस पे इधर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और वो पॉजिटिव ग्राउंड में फ्लो हो जाएगा यार, लेफ्ट से इलेक्ट्रॉन आएगा उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और फिर इधर क्या बचेगा, सिर्फ ये नेगेटिव बचेगा, और नेगेटिव मैंने बाहर दिखा दिया एक्चुअली। फिर एक छोटी सी लाइन लिखनी है, गिवन प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू दिस प्लेट एक्स, कंडक्टर है ये, और ये दूसरा मान लो बाई है, देन ड्यू टू इंडक्शन इसका लेफ्ट फेस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव नेगेटिव, और इस पर इधर क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, देन जब इसको अर्थ करते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस गेट न्यूट्रलाइज बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम अर्थ। ओके, सो ये अपने लिख देना इतना सा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में मैंने बताया यूनिफॉर्म होती है, बोलो कितनी होती है, ये लिखा मैंने इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, मान लें प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वी है, एक्स और वाई प्लेट है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, और मान लें इनके बीच की जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच वो डी है, और एरिया हर प्लेट का मान लो कितना है भाई, ए है। तो हमने पढ़ा है वी इजिकल टू ई इजिकल टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, सुना ना, ये मैग्नीट्यूड लेना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस बट कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस यहाँ डी हो जाएगी, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो इन प्लेट्स के बीच जो है वो वी है, तो आप वी को क्या लिख सकते हैं, ई को क्या लिख सकते हैं, आप ई को लिख सकते हैं यहाँ वी अपॉन डी, ठीक है, तो ये बन गया ई इज इक्वल टू बी अपॉन डी, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन यू विल गेट दिस वी अपॉन डी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से आप वी निकाल सकते हो सिग्मा डी एप्सिलॉन नॉट, मान लो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, तो क्यू इज इक्वल टू कितना होता है सी बी, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से क्यू अपॉन बी। अब इस वी की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दीजिए, सो यह आएगा आपको काट लेंगे आप तो आ जाएगा चला नोट ऊपर को चला जाएगा। ठीक है, और फिर सी इज इक्वल टू सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए चार्ज बटे कितने एरिया पे है वो, और यहाँ गेट डी। ठीक है, सो क्यू विल गेट कैंसिल और ये ऊपर चला जाएगा, तो सी आ जाएगा आपका सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये नहीं बोलना आपने, जब प्लेट्स के बीच कुछ नहीं रखा है आपने, कनेक्टिंग प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, एक पॉजिटिवली चार्ज है दूसरी नेगेटिवली चार्ज है, तो कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर का ही होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, क्या है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है जी, सो उसका जो कैपेसिटेंस है वो याद रखना है अपने फॉर्मूला, और इसमें आप देखो कि जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, मैंने बताया था डायमेंशंस पे डिपेंड करता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ए एरिया ऑफ ईच प्लेट है, डी डिस्टेंस उनके बीच। ठीक है, और यदि जैसे दो प्लेट्स थी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में कोई मैंने मटीरियल रख दिया, यहाँ कोई डायलैक्ट्रिक स्लैब, इंसुलेटिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब कुछ भी रख दिया यहाँ मान लो, उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो फिर कैपेसिटेंस बढ़ जाता है इस कैपेसिटर का, के टाइम हो जाता है, तो मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, बिकॉज मीडियम का क्या होता है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, तो कुछ कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। ठीक है, के डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल का जो प्लेट्स के बीच रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑन व्हाट फैक्टर्स कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, के बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा। ठीक है।
ये था। उसके बाद है कि यदि कैपेसिटर सीरीज में जोड़े हमने, ऐसे जोड़ते हैं सीरीज में एंड टू एंड, ये था कैपेसिटर का सिंबल, ये भी ठीक है ऐसे, ठीक है वेरिएबल कैपेसिटर है तो फिर आपने बीच में एरो लगा देना ऐसे, दिस इज सिंपल ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ तीन कैपेसिटर जोड़ दिए मैंने एंड टू एंड, सी वन इसका कैपेसिटेंस है, इसका सी टू है, और इसका कितना है सी थ्री। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से भी आ रहा है, ये पॉजिटिव पोल है इसका, ये नेगेटिव पोल है। पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होती है बैटरी, ये बैटरी का सिंबल होता है ऐसे, वर्टिकल लाइन बड़ी छोटी एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव पोल होता है और ये क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। और याद रखेंगे कि सीरीज में एंड टू एंड जोड़ते हैं कैपेसिटर्स को, कितने कैपेसिटर यहाँ आती है, एक का कैपेसिटर सी वन है, दूसरे का सी टू है, तीसरे का सी थ्री है, ठीक है। सो फिर मैंने बताया कि यहाँ से बैटरी से पॉजिटिव पोल से यदि चार्ज क्यू चला तो यहाँ आ गया क्यू वन, ठीक है पॉजिटिव आएगा यहाँ, फिर इंडक्शन होगा जो मैंने बताया, इंडक्शन होगा इसके इधर वाले फेस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, और फिर इधर वाले फेस पे क्या आ जाएगा जो दूसरी साइड को है इधर पॉजिटिव। अब ये कंडक्टिंग वायर से जोड़े हैं तो पॉजिटिव यहाँ फ्लो कर जाएगा, फिर इसको भी उतना मिल जाएगा पॉजिटिव ये, फिर इंडक्शन होगी इधर वाले फेस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, और इधर वाले पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और वैसे ही पॉजिटिव इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू यहाँ फ्लो कर जाएगा, यहाँ फिर पॉजिटिव, फिर इंडक्शन होगी यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये जो पॉजिटिव होगा ये इधर अर्थ में फ्लो कर जाएगा ये। यह बोल वाल क्या हुआ कि नेट चार्ज तो कैपेसिटर प्लेट्स पे जीरो ही है, बिकॉज एक पे पॉजिटिव होता है दूसरी पे नेगेटिव, ठीक है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड में क्यू है, यहाँ यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो यहाँ क्यू सेम रहा, क्यू नहीं चेंज हुआ, हर कैपेसिटर के क्रॉस जब सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या सेम रहता है भाई क्यू, याद रखेंगे बिल्कुल ही बोलना। और पोटेंशियल डिफरेंस भी डिवाइड हो जाएगा तीन हिस्सों में, ये देखो वी वन इसके क्रॉस, पहले के क्रॉस और दूसरे के क्रॉस वी टू, ये तीसरे के क्रॉस वी थ्री, ठीक है जी। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डिवाइड हुआ, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बोलो, वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ठीक है। सो अब मान लो जो तीन कैपेसिटर को जोड़ के कैपेसिटर बन गया, उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस सी एस है, सीरीज इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं हम सीरीज में कितना होगा सर्किट का, तो सी एस मान लिया मैंने, ठीक है। अब आपको पता है कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी वी, तो यहाँ हो जाएगा सी एस वी, तो यहाँ से सी एस निकालो वन क्यू अपॉन वी, ठीक है। यहाँ से आपने निकालना है वी, सी एस निकालना है, तो ये वी बोलिए यहाँ से क्या होगा, सो वी हो जाएगा यहाँ से ये, सिमिलरली वी वन कितना हो जाएगा, चार्ज तो सेम है क्यू अपॉन सी वन, वी टू कितना हो जाएगा, चार्ज तो सेम है दूसरे कैपेसिटर में भी, कैपेसिटेंस उसका सी टू है, पी थ्री कितना हो जाएगा क्यू अपॉन सी थ्री, ये इन सारी वैल्यूज को सबको इस इक्वेशन में भर दो, इक्वेशन वन बोल देते हैं इसको, सपोर्ट करिए, तो बन गया क्यू अपॉन सी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी वन प्लस क्यू अपॉन सी थ्री, सो क्यू कॉमन रख कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। सो भाई तीन कैपेसिटर सीरीज में जोड़ते हैं तो ये होता है इफेक्टिव कैपेसिटेंस, उसमें सी एस है तो किसी वन अपॉन सी एस क्या हो जाता है सी एस वन अपॉन सी वन, वन टू थ्री एस पैरों में लिखने हैं आपने, तो ये होता है भी फॉर्मूला इन बोलना है आपने, और ये जो सी एस आएगा जैसे दिया होगा आपको टू, ये मान लो फोर दिया, ये मान लो सिक्स दे दिया, तो जो सी एस की वैल्यू आएगी पहले एलसीएम वगैरह लेके फिर उल्टा करना है आपने, रेसिप्रोकल लेना है तभी आएगा ना सी एस, तो जो सी एस आएगा वो जो इन तीनों में सबसे छोटा होगा,
जैसे यहाँ मैंने दो चार छः बोला ना, तो छोटा सबसे दो है, तो आंसर विल बी लेस देन जो स्मॉलेस्ट है, दो से कम आएगा आंसर, सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, ये था सीरीज में। और लास्ट आर्टिकल आज के लिए, उसमें हम पैरेलल में जोड़ेंगे अब कैपेसिटर्स को, तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालो। ठीक है, सो पैरेलल में ऐसे जोड़ते हैं, देखो ये पॉजिटिव प्लेट है इसकी, ये दूसरी नेगेटिव, पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, ऐसे रख देने आपने। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट्स जो हैं आपकी ये हैं इसकी, और ये सारी इधर वाली नेगेटिव होती है, मैंने बताया है। तो यहाँ से पॉजिटिव प्लेटें आपने एक पॉइंट को जोड़नी है, ए को, और नेगेटिव प्लेटें बी को जोड़नी है, तो मान लो बी है, ए है, और फिर बैटरी लगा देंगे, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस इज बी। तो पैरेलल सर्किट में यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के अक्रॉस सेम रहेगा, कभी भी याद रखें, फिजिक्स में वी सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में, चाहे रेजिस्टेंस को जोड़ें चाहे कैपेसिटेंसेस को जोड़ें। ठीक है, तो जितना वी यहाँ होगा, हर का कैपेसिटेंस अलग अलग है, इसका सी वन है, इसका सी टू है, इसका सी थ्री है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ जो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो अंदर वाली प्लेट पे आता है, अंदर की तरफ आता है ना, ये अंदर की तरफ आता है, यहाँ भी अंदर की तरफ आता है, तो पॉजिटिव कहाँ फ्लो कर गया था, पॉजिटिव अर्थ के न्यूट्रलाइज अर्थिंग तो करनी पड़ेगी ना, ये पॉजिटिव यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, और यहाँ फ्लो इलेक्ट्रॉन ने न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, बेसिकली यहाँ वी सेम रहेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस होगा उतना इसके क्रॉस होगा, उतना इसके क्रॉस होगा, जितना सोर्स का होगा, तो वी क्या रहा देखो सेम। क्वेश्चन है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा, तो जैसे ही चार्ज क्यू पॉजिटिव पोल से चला यहाँ से बैटरी से क्यू, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इधर चला गया क्यू वन, बाकी वैसे होगा प्रिंसिपल में इंडक्शन होती है आपको बताइए, इधर चला गया इसका हिस्सा क्यू टू, और इधर चला गया कितना भाई क्यू थ्री, तो यहाँ चार्ज टूटा टोटल, तो टोटल चार्ज कितना हुआ जो बैटरी से चला भाई पॉजिटिव पोल से, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, इसको बोलते हो पिछली बार क्या था, पिछले में था वी इक्वल टू वी, वी टूटा था तीन हिस्सों में, वहाँ क्यू सेम था, यहाँ उल्टा है, यहाँ वी सेम है और क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अब आप पता ही है कि इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है, इस सर्किट का आपने सर्किट का नेट कैपेसिटेंस निकालना है, पैरेलल में जोड़ें और सी पी मान लेते हैं, सो क्यू इज इक्वल टू सी पी वी है ना, सिमिलरली क्यू वन क्या होगा बोलो सी वन वी, क्यू टू क्या होगा वी तो सेम है सी टू वी, क्यू थ्री क्या होगा सी थ्री वी। ठीक है, इन सभी वैल्यूज़ क्यू की सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन वन में पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा देखो जरा, तो ये आ गया क्यू क्यू इक्वल टू सी पी वी इज इक्वल टू सी वन वी प्लस सी टू वी प्लस सी थ्री वी, वी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये होता है भी सिंपल ऐड हो जाता है, नेट कैपेसिटेंस होगा सर्किट का सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। ठीक है, मान लो ये आपका टू फेरेड है, ये फाइव फेरेड है, फेरेड यूनिट होता है कैपेसिटेंस का मैंने बताया, और ये मान लो थ्री फेरेड है, तो पाँच और दो सात और तीन, तो दस फेरेड नेट आंसर आ जाएगा, पैरेलल में जोड़े होंगे तीनों, दस फेरेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, और पैरेलल में आंसर जो सबसे बड़ा था उससे भी बड़ा आएगा, ये दस आया ना, तो बड़े से बड़ा, तो इसको सी पी हमेशा बड़ा आता है किससे, जो सब मेन में सबसे बड़ा है लार्जेस्ट से, तो पिछले वाले में क्या था सी एस लेस देन स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा होगा उससे भी कम आएगा आंसर, याद रखें। अच्छा, इसमें जैसे पीछे मैंने बताया कि जब सीरीज में जोड़ते हैं तो होता है ये करके वन पॉन करके होते हैं आंसर, ये देखो वन पॉन सी टू प्लस वन पॉन सी थ्री। ठीक है, तो एलसीएम वगैरह लेके आप इसको कर सकते हैं, सीएस निकालना है फिर।
ठीक है। तो यदि दो ही आपके तो आप यहाँ तक लिखेंगे, देखो वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू, एलसीएम लीजिए इसका और उल्टा करिए, तो सी एस कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके उल्टा करेंगे तो सी एस का उल्टा हो गया, सी एस वन अपॉन सी एस का वो रेसिप्रोकल क्या हो गया, सी एस, तो ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे प्लस। तो याद रखिए जब दो कैपेसिटर दिए होंगे ना, तीन की बात नहीं कर रहा हूँ, दो यदि सीरीज में होंगे तो नेट कैपेसिटर ऐसे निकालेंगे, और सीधा याद ही रख लो कि दो जब सीरीज में होते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे फिर प्लस। ऐसे मान लो तीन और छः के कैपेसिटेंस सीरीज में है तो ऊपर क्या आएगा, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाएगा 3 × 6, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ के लिखेंगे 6 और नीचे इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो 6 × 3 = 18, 6 + 3 = 9, तो 2 farad आंसर आ जाएगा सी एस का, समझे। तो दो ही होंगे तो ऐसे करना है, तीन के लिए फिर एलसीएम लीजिए ऐसे करके, तीनों का एलसीएम लीजिए जैसे करते हैं, लास्ट में जाके इसको उल्टा करना है और सी एस आ जाएगा। और दो वाले केस में एलसीएम लेके मैंने उल्टा कर दिया, दो वाले केस में सीधा याद रख लो फॉर्मूला, ठीक है, सी ए पढ़ने का मतलब। सो आज के लिए इतना ही।